Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the variations of the Turing machine. अभी तक हम लोगों ने जो ट्यूरिंग मशीन्स देखी हैं उनके एग्जांपल्स देखे, उसमें हमने माना था कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का टेप है और इस इनफाइनाइट लेंथ के टेप में हम लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं और किसी भी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेप का अल्फाबेट है उस टेप के अल्फाबेट में हम चेंजेस कर सकते हैं या फिर उसको एज सच भी रख सकते हैं। सो ये जो ट्यूरिंग मशीन है, लेट से हमने उसको कहा स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन। सो दिस इज द स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन और आज के लेक्चर में हम लोग इनके कुछ वेरिएशन देखेंगे। तो जो फर्स्ट वेरिएशन हम देखने जा रहे हैं वो है ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन, ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन। सो आपको याद होगा कि जो हमारी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन थी उसमें हम ये कहते थे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में हैं और हमने कोई एक इनपुट अल्फाबेट देखा तो यू मैप टू सम ऑफ द स्टेट्स और जो टेप अल्फाबेट है हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं और जो आपका मूवमेंट है वो या तो लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ होगा। ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन में ये मीनिंग है कि अगर हमने टेप के अल्फाबेट को चेंज कर लिया है तो जरूरी नहीं कि हम लेफ्ट या राइट में मूव करें, हम स्टे भी कर सकते हैं उसी पोजीशन में। तो वी कैन से दैट वी हैव टेकन अ स्टेट एंड द इनपुट अल्फाबेट फ्रॉम द टेप एंड दिस मैप्स टू सम ऑफ द स्टेट एंड द कैरेक्टर और द टेप अल्फाबेट कैन बी चेंज्ड और कैन बी रिमेन एज सच एंड वी कैन मूव आइदर टू लेफ्ट और टू राइट और वी कैन स्टे टू द सेम पोजिशन इन द टेप। सो दिस इज द ट्यूरिंग मशीन विद द स्टे ऑप्शन। So if I say that this is the standard Turing machine and if I say that this is the Turing machine with the stay option, then ये जो standard Turing machine है और जो stay option वाली Turing machine है दोनों के powers same होंगे। powers के same होने का मतलब है कि अगर let's say there is n number of the languages for which the standard Turing machine can be designed, so this Turing machine with the stay option will also be accepting the same number of the languages। इसका मीनिंग ये है कि स्टे ऑप्शन वाले जो ट्यूरिंग मशीन है वो किसी एडिशनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट नहीं करेगी जिसके लिए स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन नहीं बनाई जा सकती। तो दोनों के जो पावर्स हैं वो सेम है। सेकेंड वी कैन थिंक ऑफ लाइक ट्यूरिंग मशीन विद सेमी इनफाइनाइट टेप, विद सेमी इनफाइनाइट टेप। अभी तक हम लोगों ने जो ट्यूरिंग मशीन देखी थी उसमें हमने माना था कि जो हमारे पास टेप है उसमें इनपुट अल्फाबेट्स हमने जब रख दिया, लेट्स से डबल ए डबल बी हमने रख दिया, तो लेफ्ट में भी बहुत सारे ब्लैंक्स होते थे और राइट में भी बहुत सारे ब्लैंक्स होते थे और ये जो टेप होता था वो इनफाइनाइट लेंथ का माना जाता था। अगर सेमी इनफाइनाइट लेंथ है तो इसका मीनिंग क्या है कि आप ऐसा मान सकते हैं कि जो अल्फाबेट्स हैं वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और जितने भी ब्लैंक्स हैं वो राइट हैंड साइड में ही केवल हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ब्लैंक्स नहीं है। या फिर एक ऐसी मशीन हो सकती है जिसमें टेप जो हमने कंसिडर किया है उसमें राइट हैंड साइड की तरफ कोई भी एडिशनल ब्लैंक्स नहीं है, केवल जो ब्लैंक्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लैंक्स हैं। तो इस तरह की जो टेप हुआ उसको हमने कहा कि सेमी इनफाइनाइट टेप हो गया। और जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है और जो सेमी इनफाइनाइट टेप वाला जो ट्यूरिंग मशीन है दोनों की पावर्स सेम होगी और इनकी पावर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ये सेम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को या सेम लैंग्वेजेस को ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो बाय चेंजिंग द इनफाइनाइट टेप टू द फाइनाइट टेप कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ हमारे पावर्स में ऑफ द स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन। नाउ एक और ट्यूरिंग मशीन हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स से दैट इज विद द ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन। इस ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन में क्या होगा कि जो हमारे पास टेप है उस टेप में इनपुट्स प्रोवाइड होंगे और उस टेप में हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। सो मान लेते हैं कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है, यूजली हम लोग स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में अल्फाबेट्स जो होते हैं उनको हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्मॉल ए को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, आगे गए और स्मॉल बी को वाई में कन्वर्ट कर दिया एंड सो ऑन सो फॉर। तो जो इनपुट टेप था उसी इनपुट टेप में हम चेंजेस कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन है
जिसमें इनपुट वाला जो टेप है उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, इनपुट वाला टेप ऐसा ही है, और जो हमारा फाइनाइट कंट्रोलर है वो फाइनाइट कंट्रोलर इसी इनपुट को किसी दूसरे टेप में कॉपी कर लेगा एंड जो भी चेंजेस उसको करने हैं उसमें ये कर लेगा। तो इट हैज कॉपीड, द फाइनाइट कंट्रोलर हैज कॉपीड द इनपुट्स इनटू अनदर टेप एंड देन इट विल मेक द चेंजेस टू द टेप अकॉर्डिंगली। सो ये ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन हुआ, और इस ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन की जो पावर्स हैं दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ द स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन। तो बाई टेकिंग द ऑफलाइन टेप या ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन कोई भी पावर्स में चेंज नहीं आया, ओनली स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन। नाउ लेट्स टेक अनदर वेरिएशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, एंड द नेक्स्ट वेरिएशन इज मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। सो दिस इज द मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। सो इन द मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन व्हाट विल हैपन दैट कि हमारे पास एक की जगह दो टेप्स हैं, लेट्स से जो हमारे इनपुट्स हैं वो दोनों जगह प्रोवाइडेड हैं दोनों टेप्स में। सो लेट्स से डबल ए डबल बी हियर एंड डबल ए डबल बी इन द सेकेंड टेप ऑल्सो। लेट्स से दिस इज नोन एज द टेप वन एंड लेट्स से दिस इज टेप टू। सो दीज आर द टू डिफरेंट टेप्स। मान लीजिए हम ए पावर एन और बी पावर एन जैसा कोई एक ट्यूरिंग मशीन बनाना चाहते हैं, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है उसमें लेट्स से मेरे पास है ए ए एंड देन बी बी, ब्लैंक्स ऑन द लेफ्ट एंड ब्लैंक्स ऑन द राइट। तो हम सबसे पहले इसे स्मॉल ए को कैपिटल एक्स में कन्वर्ट करेंगे, राइट की तरफ मूव करेंगे सारे एज को क्रॉस करके, जैसे हम पहले बी पे पहुंचेंगे इसको हम वाई में कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली जब हम लेफ्ट में आएंगे और दूसरे ए को कन्वर्ट करेंगे एक्स में एंड देन फाइनली हम आगे की तरफ जाएंगे और दूसरे बी को वाई में कन्वर्ट करेंगे। सो किसी भी एक ए को कन्वर्ट करके हम बी को जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो एन मूवमेंट्स हो रहे हैं, और अगर आपके पास ए पावर एन और बी पावर एन जैसा केस है तो हम एन एज को कन्वर्ट करने के लिए एन टाइम्स आगे की तरफ जाएंगे और एन टाइम्स हम पीछे की तरफ आएंगे। सो इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस प्रोसेस की दैट विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बिकॉज देर विल बी टू एन मूवमेंट्स और द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन ऑफ द एज एंड द बीज टू एक्स एंड वाई। अगर मान लीजिए कि आपके पास मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन है और आपने एक कंट्रोलर यहाँ पे लिया है और एक कंट्रोलर यहाँ पे लिया है, स्मॉल ए को आपने एक्स में कन्वर्ट कर दिया और दूसरे टेप में आपको एन मूवमेंट्स के साथ लेट से आप बी पे पहुंच जाते हैं, जैसे आप बी पे पहुंचते हैं बी को वाई में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर पहले टेप में आप नेक्स्ट ए को एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए और दूसरे टेप में नेक्स्ट बी को आप वाई में कन्वर्ट कर दीजिए एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले स्टेप नंबर वन में जो टेप नंबर टू है उसमें हम एन मूवमेंट्स करके बी पे पहुंच रहे हैं, पहले बी पे पहुंच रहे हैं। इसके बाद जो पहला टेप है उसके ए को हम एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और एन टाइम्स एक्स में कन्वर्जन है। सिमिलरली जो दूसरा टेप है उसमें बी को वाईज में कन्वर्ट कर रहे हैं और एन टाइम्स हम वाई में कन्वर्ट कर रहे हैं और मूवमेंट केवल एक एक सेल का आगे हो रहा है। सो द टोटल मूवमेंट्स जो यहाँ पे हुई हैं टेप्स में दैट इज एन प्लस एन प्लस एन, जिसको आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन मूवमेंट्स होगी। तो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एफर्ट लग रहा था, इसमें ऑर्डर ऑफ एन एफर्ट लग रहा है, लेकिन जो लैंग्वेज स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट हो सकती थी वही लैंग्वेज मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन से भी एक्सेप्ट हुई है। इसका मीनिंग ये भी है कि जो पावर्स हैं दोनों ट्यूरिंग मशीन की, मतलब कि ट्यूरिंग मशीन विद दी मल्टी टेप एंड द स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, उनकी जो पावर्स हैं वो सेम है, देयर इज नो चेंज इन द पावर्स ऑफ द टू मशीन्स, द टू डिफरेंट मशीन्स। सो इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन लेने से। नेक्स्ट जो इसका वेरिएशन है दैट इज द मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। तो मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन का मीनिंग ये है कि मेरे पास जो टेप है वो 1D टेप ना होके लेट्स से वो 2D टेप है, हो सकता है कि वो 3D टेप भी हो, अभी फिलहाल के लिए मैं मान लिया कि ये 2D टेप है
और इस 2D टेप में मेरे पास लेट से यहाँ पे ए है और कंट्रोलर मेरा मेन पे है। जो मूवमेंट्स इस केस में अलाउड होगा टेप में वो राइट की तरफ होगा, तो लेफ्ट की तरफ होगा, वो अप की तरफ होगा एंड डाउन की तरफ होगा। तो जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन होती है उसमें दो ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल होता है। कोई भी आपका अल्फाबेट जब मिलता है तो किसी करंट स्टेट से आप नेक्स्ट स्टेट में मूव करते हैं टेप अल्फाबेट को चेंज करते हुए, और या तो आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं या तो राइट की तरफ जाते हैं। जब आपके पास मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन है तो मैपिंग कैसे होगी, किसी इनपुट के लिए आप नेक्स्ट स्टेप मूव करेंगे टेप अल्फाबेट चेंज करेंगे, और जो मूवमेंट है लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, अप हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, तो आप इन चारों में से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इस तरह की जो ट्यूरिंग मशीन हुई उसको हमने कहा मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। बट मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन और स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, दिस इज द स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन एंड दिस इज द मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन, इनकी पावर्स में कोई चेंज नहीं होता, इनकी पावर्स जो है वो सेम होती हैं। इसका मतलब है कि मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन लेने से कोई एडिशनल बेनिफिट हमें नहीं हुआ। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से, वही प्रॉब्लम्स या वही लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कराई जा सकती हैं मल्टी टेप मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन से। एक और वेरिएशन देखते हैं इसका, दिस इज द जंपिंग ट्यूरिंग मशीन। एंड जंपिंग ट्यूरिंग मशीन का मीनिंग है कि पहले हम स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन देख लेते हैं। जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है उसमें मान लेते हैं कि ए ए बी बी हमारे पास है, तो किसी भी ए कैरेक्टर पे आने पे हम लेट से हमने उसको एक्स में कन्वर्ट किया और राइट की तरफ आप मूव करते हैं, तो जो मूवमेंट है वो एक सेल आगे की होती है, वन सेल अहेड और वन सेल बैक। राइट की तरफ जा रहे हैं तो अहेड हम कह रहे हैं, या वन सेल बैक का मतलब हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सो ये हमारी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है। जो मल्टी टेप जंपिंग ट्यूरिंग मशीन होगी उस जंपिंग ट्यूरिंग मशीन में मल्टीपल सेल्स पे हम आगे की तरफ जंप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस जैसी सिचुएशन है, तो आपने क्या किया कि इस ए को एक्स में कन्वर्ट किया एंड देन आप डायरेक्टली थ्री सेल आगे चले गए और इस बी को वाई में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसके बाद आप डायरेक्टली थ्री सेल पीछे आएंगे एंड सिमिलरली डायरेक्टली थ्री सेल आगे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने थ्री वैल्यू डिसाइड की है जंप की, कि जब भी कोई मूवमेंट होगा तो वो थ्री सेल अहेड होगा या थ्री सेल बैक होगा। तो अगर स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन ऐसी है जिसमें कि हमने करंट स्टेट में है और आपने टेप का कोई अल्फाबेट कंसिडर किया, तो आप नए स्टेट में गए और टेप के अल्फाबेट को चेंज कर दिया, तो जो मूवमेंट पॉसिबल है वो लेफ्ट या राइट में सिंगल मूवमेंट पॉसिबल है। अगर जंपिंग ट्यूरिंग मशीन होगी तो उस केस में आप एक से ज्यादा सेल आगे मूव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि लेफ्ट राइट तो है ही है, इसके साथ साथ आपको एन सेल्स आगे की तरफ या एन सेल पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं। सो दिस इज द जंपिंग ट्यूरिंग मशीन। लेकिन अगर आपने एन की वैल्यू 4 डिसाइड कर लिए तो हम 4 सेल्स ही आगे जाएंगे और 4 सेल्स ही हम पीछे आ सकते हैं। लेकिन क्या जंपिंग ट्यूरिंग मशीन को लेने से क्या कोई चेंज आया हमारे पावर्स में? नहीं, कोई चेंज नहीं आया। जो भी जंपिंग ट्यूरिंग मशीन है उसका जो पावर है दैट इज सेम एज दैट ऑफ स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन। फाइन, इसके बाद एक और वेरिएशन लेते हैं। अभी तक हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि चाहे हम जंपिंग ट्यूरिंग मशीन ले लें या मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन ले लें या कोई भी और वेरिएशन ले लें, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन ले लें या ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन ले लें, पावर्स में कोई परिवर्तन नहीं आता। जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की पावर है वही इन मशीन की भी पावर होगी। इसके अलावा मान लेते हैं कि हमारे पास एक रीड ओनली ट्यूरिंग मशीन है, तो आप पावर्स को बढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि इससे पावर्स को कम कर रहे हैं रीड ओनली ट्यूरिंग मशीन। इसका मतलब है कि अगर आपने एक टेप लिया है तो उस टेप के अल्फाबेट्स में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, आप केवल इसको रीड कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा कि केवल आप रीड कर पाएंगे, सो ये जो ट्यूरिंग मशीन होगी दैट विल बिहेव लाइक द टू वे फाइनाइट ऑटोमेटा। इसका मतलब है कि आप या तो लेफ्ट में मूव करेंगे या राइट में मूव करेंगे, मूवमेंट अलाउड है लेकिन चेंजेस अलाउड नहीं है। तो ये जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है उसके कंपैरिजन में ये रीड ओनली ट्यूरिंग मशीन जो हमारी बनेगी दैट विल बिहेव लाइक द टू वे फाइनाइट ऑटोमेटन, एंड ऑब्वियसली इसकी जो पावर होगी वो कम हो जाएगी दैन द स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन। तो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन विल हैव मोर पावर दैन द रीड ओनली ट्यूरिंग मशीन। सो दीज आर द वेरिएशंस ऑफ द ट्यूरिंग मशीन।
आई होप आपको समझ आया होगा, एंड वी विल मीट अगेन विद द सम मोर कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्यूरिंग मशीन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.